हरियाणा के सिरसा में शाह का कांग्रेस पर बड़ा वार हुआ है। आपको बता दें, हुडा सरकार 3D सरकार थी, ये कहा है अमित शाह ने। पहला डी दरबारियों की सरकार थी, दूसरा डी दिल्ली के दामाद की सरकार थी और तीसरा डी डीलरों की सरकार थी। तो दरबारियों की सरकार थी कहा गया शाह द्वारा, और किस तरीके से हमला बोला गया, दिल्ली के दामाद की सरकार थी, ये दूसरा डी। अमित शाह का कांग्रेस पर सीधा निशाना, हुड्डा सरकार 3D सरकार थी अमित शाह ने कहा। तीसरा डी डीलर्स को लेकर बोला। तो लगातार हमलावर मोड में गृहमंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरियाणा के सिरसा में दरअसल एक रैली में कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। शाह ने हरियाणा की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुए करप्शन पर प्रहार किया, साथ ही मनमोहन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार के बहाने कांग्रेस पर हमला भी बोला गया। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हुड्डा सरकार 3D सरकार है, इसका क्या मतलब है? जो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला, यूपीए के करप्शन पर यह बड़ा प्रहार है, करप्शन बहाना कांग्रेस पर निशाना। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार, 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी, दूसरा डी दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने 3D को समाप्त कर दिया है। ये 9 साल देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले। 9 साल पहले का भारत याद करिए, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई है। 10 साल शासन रहा, देश की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा दोनों चरमरा गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी, उसने फिर से प्रयास किया, उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछल्ले उड़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर हमारे सेना के जवानों ने। और रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, गृह मंत्री ने 3D के बहाने बड़ा प्रहार किया है कांग्रेस पर। बिल्कुल, आप देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आपातकाल का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को घेरा कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया था। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने, यानी दोनों बड़े नेताओं ने कल कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने तो सिरसा में भूपेंद्र हुड्डा और 3D में एक सबसे इंटरेस्टिंग जो बात सब जानते हैं और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दामाद मतलब रॉबर्ट वाड्रा, बीजेपी के नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है। कल जिनसे बात हुई थी कि गृह मंत्री ने जिन दामाद के जिक्र किया वो रॉबर्ट वाड्रा थे, जिन्होंने हरियाणा और राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकारें रही है वहां पर जमीन का किस तरह से घोटाला हुआ था, जिसकी जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और गृह मंत्री ने बहुत सोची समझी, जो भाषण आपने देखा कि हरियाणा की पहचान रही है किसान, जवान और खिलाड़ी, और तीनों को उन्होंने छुआ। राष्ट्रवाद की बात भी कही, सुरक्षा की बात भी कही, पाकिस्तान का जिक्र किया, किसानों को जब मनमोहन सरकार में क्या मिलता था और मोदी सरकार में, और खिलाड़ियों के लिए अलग से योजना बनाई मनमोहन सिंह को उन्होंने, निर्देश भी किया। रविंद्र शाह के 3D प्रहार का, 3D वार का आपने बड़े सरल शब्दों में विश्लेषण किया। शुक्रिया आपका जानकारियां तमाम देने के लिए। Z News।